हेलो बच्चों, और सब कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने बताया था, फंडामेंटल ऑफ 3D के बाद स्ट्रेट लाइन, के बाद प्लेन, ये हो गया है। आज हम इस लेक्चर का जो लास्ट सेक्शन है, दैट इज प्लेन एंड लाइन, ये करेंगे। इसके बाद थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड एज वेल एज फॉर जेई मेन इंक्लूडिंग जेई एडवांस आपका हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले लेक्चर्स में, है ना, यानी लेक्चर नंबर जो 5 है, ये है ना, एक्चुअल क्या है, ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 हमने बच्चों पहले ही कर लिया है। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 4 था वो हमने पहले ही कर लिया है, ये लेक्चर नंबर 5 है। आपको इसके लिए लेक्चर नंबर 4 देखना होगा, जिसमें हमने प्लेन के बारे में स्टडी किया था। तो प्लेन जस्ट इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लाइन इन 2D। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन भी किए थे। तो वेरियस फॉर्म में, जैसा कि स्ट्रेट लाइन में था, दो कंडीशन चाहिए थे इन 2D, प्लेन में 3 कंडीशन होते हैं टू गेट प्लेन इन 3D। ठीक, वो सारा हमने कर रखा है। तो आज हम करेंगे फैमिली ऑफ प्लेन, छोटा सा पोर्शन है प्लेन एंड लाइन, उसके बाद कुछ गुड प्रॉब्लम्स और PYQ ही सारे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो फैमिली ऑफ प्लेन में क्या है आपको, कि एक प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लेन का इक्वेशन जो लेते हो बच्चों, प्लेन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को कैपिटल P द्वारा लिखते हैं, चाहे वो वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, दोनों हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे P1 का मतलब A1x plus B1y plus C1z इज इक्वल टू D1 भी लिख सकते हो, और नहीं तो प्लस D1 भी 0 लिख सकते हो। ठीक, दूसरा P2 का मतलब A2x plus B2y plus C2z plus D2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। इसी को वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, R.n1, जहां n1 नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, ये D1 लिख लिए, और इसको R.n2 इज इक्वल टू D2। यहां D1 D2 अलग अलग होता है, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखो या कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। तो ये जानते हो बच्चों, दो प्लेन है, है ना। तो दो प्लेन के, जैसे हम लिए एक प्लेन ये है, ठीक है, दूसरा प्लेन ले लेते हैं ये। तो इन दोनों प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, इन दोनों प्लेन के जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास होंगे? इनफाइनाइट ना। जैसे कि 2D में कुछ कुछ स्टेटमेंट हम हमेशा 2D 3D को कंपेयर करते हैं। 2D में हमेशा आपको याद क्या रखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। 3D में लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यानी इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2। तो ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। ठीक है, जैसा वहां था वैसा ही। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू, वहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, यहां क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन दिए हुए हैं बच्चों, P1 इज इक्विवेलेंट टू 0 एंड P2 इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, P1 एंड P2 इज इक्विवेलेंट टू 0 इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखा होगा, लैम्डा के लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखा होगा। टू गेट लैम्डा एक कंडीशन दिया रहेगा। ठीक है, कंडीशन मस्ट बी गिवन।
ये ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। लैम्डा के लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए, और वो दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि लैम्डा के बारे में सोचना है बच्चों, वो आपका कंडीशन दे रखा होगा, ठीक है। तो यहां से हम लैम्डा निकाल लेंगे और वो प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे ये जो थर्ड प्लेन है, पास थ्रू ओरिजिन है, पासेस थ्रू 1, 2, 3 है, किसी तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसी चौथे प्लेन के पैरेलल है, कुछ भी कंडीशन दिया हुआ रह सकता है। याद करोगे जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन में बताया था आप लोग को, वैसा ही सारे कंडीशन यहां पर भी दिए हुए रह सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा आता नहीं है इसलिए हमें वो समझ लेना है बस, ठीक है। तो ये प्लेन वाला याद रखना है। दूसरा इसमें क्या याद रखना है, जो देखो फैमिली ऑफ प्लेन्स है, क्लियर है, तो फैमिली ऑफ प्लेन में कोई ना कोई कंडीशन दे रखा होगा। जैसे हम इसमें यूज करेंगे ऑल्सो, दूसरा इसमें क्या याद रखना है, जैसे दो प्लेन है, तो दो प्लेन है, जैसे दो स्ट्रेट लाइन होते थे तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालते थे, यहां पर भी दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, ठीक है। तो दो प्लेन, अब प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है ना बच्चों, प्लेन का तो डायरेक्शन रेशियो नहीं होता है, प्लेन के नॉर्मल का होता है ना। तो प्लेन के नॉर्मल, जैसे n1 का मतलब a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, n2 का मतलब a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, यही है ना। तो जैसे ये प्लेन है ना, इन दोनों के बीच एंगल हम ले लेते हैं थीटा, ठीक। तो प्लेन के सरफेस के बीच यदि एंगल थीटा है तो इनके नॉर्मल जो होंगे, इनके जो नॉर्मल होंगे, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल ये है ना, ये हम ले लेते हैं। तो ये आपको एक याद होगा, दो सरफेस के बीच का एंगल मतलब उन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल होता है। इसका मतलब इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन प्लेन्स, यदि ये प्लेन्स के बीच का एंगल है ना, देन क्या हो जाएगा, देन cos थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो नॉर्मल्स एक का n1 है, दूसरे का n2 है, ठीक है। तो n1 और n2 के बीच का एंगल, तो n1.n2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 इनटू मॉड ऑफ n2, ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, दैट इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी पैरेलल परपेंडिकुलर सारा हम नॉर्मल के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, याद रहेगा। और इसी को हम यहां कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख देंगे, cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, n1.n2। तो n1.n2, n1 का मतलब क्या है, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप है, और यहां a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप है। तो n1.n2 क्या हो गया, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइडेड बाय, मतलब जो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल हो रहा था सेम वही एंगल बिटवीन प्लेन्स में हमें ध्यान देना है, क्योंकि वो भी तो दो नॉर्मल्स, यानी वो भी तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच का ही एंगल है बच्चों, ठीक है। तो इस वजह से, तो यहां मॉडुलस ले लेते हैं, है ना, ये हो गया, और यानी सेम पैरेलल परपेंडिकुलर का केस आपको ले लेना है, ठीक, कुछ भी अलग नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, वो सारा हम ले सकते हैं, यानी P1 ज्यादा यूज परपेंडिकुलर का होता है, यानी यदि प्लेन परपेंडिकुलर है बच्चों, प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर्स है, तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 जीरो ना, तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक। और दूसरा, प्लेन यदि पैरेलल दिए हुए हैं, प्लेन यदि पैरेलल है,
इसका मतलब क्या होगा, ए वन बाई ए टू है ना, ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू, याद रहेगा ना। तो प्लेन पैरेलल भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, ये डायरेक्ट हम जैसा कि स्ट्रेट लाइन में आपने किया है वैसा ही यहां भी करना है आपको, कुछ भी अलग से नहीं सोचना है बच्चों, ठीक है। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स में हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं, देखो इस पर बेस्ट, ये तो नोट कर लिए होगे, ठीक है। इसी को एंगल बिटवीन प्लेन्स के लिए ना हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। देखो दूसरा वाला है एंगल बिटवीन प्लेन्स, हमने इसी में कर लिया है। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स में क्या होगा, हमने क्या याद किया, पी वन है आर डॉट एन वन है ना इज इक्वल टू डी वन है, और पी टू है आर डॉट एन टू इज इक्वल टू डी टू है, यही था ना। तो एंगल हमने इसका निकाल लिया, कॉस थीटा निकल गया है ना। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, क्लियर है, कोई भी दो प्लेन्स दिए हुए हैं है ना, एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, एन वन डॉट एन टू अपॉन मॉड ऑफ एन वन इन टू मॉड ऑफ एन टू, यही था ना। तो ये डायरेक्ट आया था, जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए ये वाला स्लाइड है, बाकी तो फॉर्मूला हमने पिछले स्लाइड में भी कर लिया है, ठीक है। तो होगा क्या, कोई भी दो दिए हुए हैं प्लेन्स है ना, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लिए 2x माइनस वाई प्लस थ्री जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, 4x प्लस थ्री वाई माइनस जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये दो प्लेन दिए हुए हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन प्लेन्स क्या होगा, एंगल बिटवीन प्लेन्स, ठीक। तो एंगल बिटवीन यदि प्लेन पूछा जा रहा है तो हम देखो किस तरीके से निकालेंगे, तो हमें सीधे याद रख लेना है कि एंगल बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, इसको चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, उसके बाद यही आ जाता, और नहीं तो डायरेक्ट हमें ये याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर का रूट है ना। और एंगल यदि कुछ भी नहीं पूछा जाए ना तो एक्यूट एंगल ही लिया जाता है, अदरवाइज तो देखो ऑप्टिव्स भी हो सकता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां से हम पुट कर देते हैं, तो कॉस थीटा क्या आ जा रहा है, देखो ए वन ए टू, ए वन ए टू टू इंटू फोर यानी एट, प्लस बी वन बी टू यानी माइनस थ्री, और माइनस थ्री फिर से है ना डिवाइडेड बाय डी वन डी टू की तो कोई जरूरत होती नहीं है, ए वन स्क्वायर प्लस यानी टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, फोर प्लस वन प्लस नाइन इंटू सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस वन, ये आ गया। तो यहां से कितना आ गया, एट माइनस सिक्स यानी टू आ गया ना, टू अपॉन फोर प्लस वन प्लस यानी फोर्टीन, 14 और ये कितना 26 है ना, तो 14 इंटू 26, 2 तो बाहर आ जाएगा है ना, 14 से 2 बाहर आएगा और 26 से 2 आ जाएगा, तो 7 इंटू यानी 1 अपॉन 7 इंटू 13 बच गया है ना, तो ये आ गया रूट 91 आ गया ना, यानी cos theta is this much, so theta is equal to cos inverse 1 upon root 91, क्लियर है बच्चों, ये डायरेक्ट इसमें ध्यान देना है। एक इसमें रिजल्ट क्या याद रखना है आपको, कि सपोज यदि प्लेन पैरेलल है ना, यदि प्लेन पैरेलल है तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू इक्वल होगा, तो जब इक्वल होगा तो हम क्यों ना एक ही ले लेते हैं, बाकी डी वन और डी टू बदल जाएगा, ठीक है। तो हम ले लेते हैं पैरेलल प्लेन्स में ए एक्स प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड
प्लस डी टू इज इक्वल टू जीरो, यही ना। तो डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन यदि लेते हैं, पैरेलल प्लेन्स, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू पैरेलल प्लेन्स। याद करो वो पुराने दिन बच्चों जब अपन 2D किया करते थे, तो टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सी वन माइनस सी टू अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ था, पैरेलल लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल प्लेन्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी कंसेप्ट के बेसिस पर डी वन माइनस डी टू हो गया डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉडुलस, है ना, ये आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हमने मॉडुलस लगा लिया है। सेम कंसेप्ट से आएगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके बाद हम ये रख लेंगे, याद रहेगा। तो वेरियस फॉर्म ऑफ प्लेन, ऊपर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब आपको याद रखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट याद रखना है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा दो लाइंस के बीच में एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आया था, ऐसे ही आपको एंगल बाइसेक्टर इन केस ऑफ प्लेन्स भी देखना है जो आज तक यूज नहीं हुआ है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू प्लेन्स, तो वो भी उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ना। यदि हम इसको देखें, दो प्लेन्स है ना, दो प्लेन के बीच एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, तो क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब दो होंगे ना, एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो ये सब मतलब जस्ट इक्विवेलेंट टू 2D आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं करना है। मतलब 2D यदि अच्छे से किया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन को कंपेयर करो 3D के प्लेन से, ऑलमोस्ट वही आपको रिजल्ट, वही आपको फंक्शनल रिजल्ट, वही आपको इक्वेशनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेम वही होता है, जैसे एंगल बाइसेक्टर हम लिखते हैं कार्टेशियन वाला, a1x plus b1y plus c1z plus d1 है डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यही होता है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोच लो इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x plus b2y plus c2z plus d2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, है ना। एग्जैक्ट वही आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसा कि आपने 2D में किया है एंगल बाइसेक्टर, वैसा ही बच्चों आपको 3D में भी याद रखना है, याद रहेगा। जैसा कि 2D में किसी पॉइंट का मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन किया है, वैसा ही 3D में भी याद रखना है। जैसा कि 2D में आपने फिट ऑफ परपेंडिकुलर यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन किया है, वैसा ही 3D में आपको प्लेन के साथ करना है। तो वो सारा आपका एज इट इज पूरा का पूरा कंसेप्ट सेम चलते रहेगा इक्वेशनल फॉर्म में, याद रहेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सा पोर्शन है बच्चों इसमें, प्लेन एंड लाइन। जैसा प्लेन है और लाइन है तो इसमें भी एक थोड़ा सा याद रख लेना है कि प्लेन यदि हम ले लिए हैं, प्लेन पी, प्लेन ले लेते हैं चलो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो ले लिए, ये प्लेन है। और एक लाइन ले लेते हैं, एल इज इक्वलेंट टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन y माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ये ले लिया। तो प्लेन और लाइन, जब भी लाइन इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, इंटरसेक्शन निकालना है तो यहां से लैम्डा ले लेंगे, है ना। तो अलग अलग कंसेप्ट से हम इसमें लेते हैं, एक इसमें होता है अलग अलग कंसेप्ट, जैसे केस वन। केस वन का मतलब हमसे ना दोनों के बीच एंगल पूछा जाता है क्या होगा, केस वन टू गेट एंगल, टू गेट एंगल बिटवीन
प्लेन एंड लाइन, पी इज इक्विवेलेंट टू जीरो एंड एल इज इक्विवेलेंट टू जीरो। मतलब प्लेन के इक्वेशन में और लाइन के इक्वेशन में हमें ध्यान देना है कि क्या होगा, प्लेन और लाइन, है ना। लाइन में हम जीरो नहीं भी ले सकते, इक्विवेलेंट इसलिए ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन है, बाकी और कुछ नहीं है ना, यहां पर हम नहीं लिखते हैं ना। तो यहां से यदि एंगल लेते हैं तो देखो, एक प्लेन ले लिया और एक लाइन ले लिया हमने, ये है लाइन, ये लाइन ऐसे ले लिया। तो प्लेन का जो सरफेस है बच्चों, प्लेन का जो सरफेस है उनके साथ यदि ये एंगल थीटा बन रहा है, उनके साथ यदि ये एंगल थीटा बन रहा है प्लेन के सरफेस और लाइन के बीच में, तो प्लेन के नॉर्मल और, प्लेन के नॉर्मल और लाइन के बीच एंगल क्या हो जाएगा। प्लेन का नॉर्मल तो ये है ना, परपेंडिकुलर है ये पूरा, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज 90 माइनस थीटा होगा ना, यही अंतर हो जाता है। अब लाइन जो कि येलो कलर का है, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका A1 B1 C1 है, और जो व्हाइट कलर का आपका नॉर्मल टू द प्लेन है वो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, ABC है। तो निकल जाएगा ना एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन यदि हमने थीटा लिखा है तो एंगल बिटवीन प्लेन का नॉर्मल और लाइन के बीच क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहां अभी तक हम पूरे मैथ्स में कॉस थीटा लेते थे, अब यहां पर क्या लेना है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ना, यानी AA1 प्लस BB1 प्लस CC1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा, यानी जो कंडीशन हम पैरेलल परपेंडिकुलर में ले रहे थे, है ना, यानी इसी को हम और लिख लेते हैं कि यदि प्लेन, ठीक है, इफ लाइन या प्लेन कोई भी, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, यदि लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा तो जीरो होगा, यानी कॉस 90 डिग्री फिर जीरो हो जाएगा, यानी यहां से परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आ जाएगा जो अभी तक हम पैरेलल में यहां यूज करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपका जीरो, ठीक। दूसरा, यदि लाइन परपेंडिकुलर दिया हुआ है बच्चों प्लेन के, यदि लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसका मतलब थीटा आपका 90 डिग्री आ गया। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 माइनस 90 जीरो, कॉस जीरो वन, तो यहां से कंडीशन आ जाएगा A/A1 इज इक्वल टू B/B1। मतलब इसमें आपको ये ध्यान देना है, हर जगह एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो हम परपेंडिकुलर का केस ले रहे थे वो यहां पैरेलल का केस हो गया, जो पैरेलल का केस ले रहे थे वो यहां परपेंडिकुलर का केस हो गया। तो ये ध्यान देना है यहां से, है ना। तो ये केस वन, क्लियर है। देखो केस इसमें टू होता है, केस टू में क्या करना है, यदि हमसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है, यदि ये पूरा लाइन है ये पूरा प्लेन के अंदर हो जाए, है ना, इफ लाइन लाइज इनसाइड द प्लेन, है ना, इफ लाइन लाइज इनसाइड द प्लेन, लाइन का मतलब लाइन सेगमेंट, है ना, इनसाइड द प्लेन, तो जब वो प्लेन के अंदर हो गया इसका मतलब प्लेन के सरफेस के पैरेलल हो गया, है ना। जब लाइन ये प्लेन के अंदर हो गया दैट इज लाइन इज पैरेलल टू सरफेस ऑफ प्लेन, है ना, एंड प्लेन उस पॉइंट से भी पास करेगा, प्लेन उस पॉइंट से भी पास करेगा जिस पॉइंट से लाइन पास कर रहा था,
है कि नहीं। जैसे ये लाइन है, ये इस रूम के अंदर है, तो ये लाइन जिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो सारे पॉइंट, कोई भी पॉइंट रूम के बाहर तो नहीं है ना, वो रूम के अंदर ही है। तो रूम हो गया एक सरफेस, मतलब सरफेस का मतलब एक प्लेन हो गया। वैसे तो ये 3D है तो हम रूम नहीं बोल रहे हैं हम। चलो ये स्क्रीन ले लेते हैं, ये वाला जो लाइन है बच्चों, देखो ये जो लाइन है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो इसमें से भी लाई करेगा, ठीक है। तो प्लेन, ये हमें ध्यान देना है, तो प्लेन एंड प्लेन विल पास थ्रू। तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा था, x1 y1 z1 से पास कर रहा था ना, यानी हमारे पास दो कंडीशन हो गए। दैट इज कंडीशन क्या हो गया हमारे पास, एक तो पैरेलल वाला हो गया, यानी a1 प्लस bb1 प्लस cc1 जीरो होगा, एंड प्लेन का इक्वेशन बच्चों x1 y1 z1 से पास करेगा, है ना। तो ax1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D इज इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन होगा, ये क्या होगा, दो कंडीशन होगा, याद रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये वाला कंडीशन और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस और एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। केस 3A इसमें देख लेते हैं, यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, लाइन किस पॉइंट पर प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे वो दो लाइन हो या एक लाइन एक प्लेन हो, जब भी होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात, चाहे दो लाइन के बीच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या दो लाइन के बीच के जगह पर एक लाइन और एक प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन हो, हमेशा हम क्या ध्यान देते हैं, हमेशा हम ध्यान देते हैं पुट x-x1 अपॉन जो a1, ये सब जो लिए हैं लाइन का इक्वेशन, जो हमने लाइन का इक्वेशन जो लिए हैं उसके जगह पर लैम्डा ले लो, यानी एनी पॉइंट ऑन लाइन, दैट इज एनी पॉइंट ऑन लाइन ले लो, एनी पॉइंट ऑन लाइन। अब ये जो पॉइंट है ये तो लाइन पर है बच्चों, ये एनी पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस a1 लैम्डा, y1 प्लस b1 लैम्डा, z1 प्लस c1 लैम्डा, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को पुट कर दो कहां पर, प्लेन के इक्वेशन में, इस पॉइंट को पुट कर दो प्लेन के इक्वेशन में, है ना। इस पूरे को पुट करना है किसमें, पुट इन प्लेन, और हमें वहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा, हमें वहां से आ जाएगा लैम्डा, आ जाएगा लैम्डा, आ गया यानी पॉइंट आ गया। यही वो पॉइंट तो है जो कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन है, आसान है ना, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ओके। नाउ अब इस पर बेस्ट एकदम ये कॉन्साइज थ्योरी है, कंप्रेस्ड थ्योरी है, कंप्रेस्ड फाइल होते हैं उसके जगह पर हम यहां थ्योरी ले रहे हैं, जस्ट फॉर यू पीपल फॉर गेटिंग गुड रैंक्स इन जेई मेन जेई एडवांस फॉर वैक्टर एंड 3D, ठीक है। ये पूरा सीरीज आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब ये तीन लेक्चर मतलब तीन स्लाइड देखने के बाद अब हम इस पर बेस्ट कुछ PYQs है वो कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो हम यहां पर लाए हैं, ये सारे क्वेश्चन कहां आए हुए हैं, जेई मेन में आए हुए हैं, कोई भी अपना वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे जेई मेन के, क्योंकि उसी पैटर्न पर हम थ्योरी कंप्रेस किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन देखा, 10 साल से 20 साल से देख ही रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने थ्योरी डिजाइन किया कि केवल यही बताना है, मतलब मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट है, इस वीडियो को ध्यान में रख के, ठीक है, ओके। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स है, तो हमने जो फॉर्मूला बताया है उसमें एक्स वाई जेड का कोफिशियंट सेम होना चाहिए, यहां पर अलग अलग है, अलग है लेकिन रेशियो सेम है बच्चों, रेशियो क्या है, सेम है। तो यहां पर प्लेन्स क्या है, प्लेन्स आर, प्लेन्स जो है वो क्या क्या है,
एक है 2x प्लस वाई प्लस 2z और -8 ले लेते हैं। वैसे 8 वहां भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ नहीं। अब यहां जो दिया हुआ है इसको अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड क्यों कर दिए, क्योंकि सारे कॉफिशियंट बच्चों डबल डबल है, इसलिए कॉफिशियंट एक्स वाई जेड का सेम होना चाहिए। तो ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस 2z, यहां तक तो सेम आएगा। यदि अलग आएगा तो हम नहीं निकाल सकते, कोई फॉर्मूला ही नहीं है उसके लिए। और यहां आ गया 2 से डिवाइड किए तो 5/2 ये आ गया, है ना। सो फ्रॉम फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला क्या है, फ्रॉम रिजल्ट। रिजल्ट इसमें क्या होता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स यदि हम लेते हैं, है ना, पैरेलल प्लेन्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू d1 माइनस d2। d1 d2 किसी को भी बोल सकते हैं, है ना, जो ज्यादा है उसी से माइनस कर देंगे, तो मॉडुलस लिखने की हमें जरूरत ही नहीं होगी। और नीचे में तो है ही 2² + 1² + 2² अंडर रूट, फॉर्मल्टी के लिए मॉड लगा दिया। तो ये आ गया 5 + 16 ना, तो ये आ गया आपका 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहां आ गया 3, तो ये कितना आ गया, कट जाएगा ना, तो ये 7/2 आ गया एकदम सही। तो ये आ गया आपका 7/2, बहुत आसान है ना। तो ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, देख लेना किस साल 2010-11 में आया हुआ है, एकदम आसान आसान, केवल फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है। इसमें हमें क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी हमने बताया था ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, कैसे निकालते हैं, लाइन में से हम लैम्डा लेके उसमें पुट कर देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, x-2/3 y+1/4 और z-2/12 है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ले लिया, लैम्डा ले लिया ना, तो ये ले लिया हमने लैम्डा, यानी एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, इज टेकन एज, ये कैसे हो जाएगा, 2+3λ और -1+4λ और 2+12λ, ये हो गया पॉइंट। अब यदि यही वाला पॉइंट हमने निकालना है, हमें क्या करना है, निकाल लेना है यही वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फिर निकाल लेंगे। नाउ इफ ए लाइज ऑन, है ना, इफ ए लाइज ऑन प्लेन, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है बच्चों, प्लेन का इक्वेशन है x-y+z = 16, तो पुट कर लेते हैं a, यानी x के जगह पर 2+3λ माइनस y के जगह पर 4λ-1 प्लस z के जगह पर 2+12λ, दिस इज इक्वल टू 16 है। तो यहां से देखो लैम्डा आ गया 3λ-4λ - λ+12λ यानी 11λ, ठीक, 12+3=15। अब देखो कांस्टेंट 2+1 3+2 5, यहां 5 आया है और उधर है 16, तो ये आ गया 11, यानी लैम्डा आ गया 1, लैम्डा क्या आ गया 1। सो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पॉइंट ए, इसमें लैम्डा की जगह पर 1 रख दिया, तो 1 रख देने से ये क्या आ गया 5, ये 4 यानी 3 और ये वाला है 14, यही आ गया ना। अब हमें इसका डिस्टेंस क्या पूछा जा रहा है, कहां से 1, 0, 2 से, द डिस्टेंस, तो यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। सो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सो यूजिंग
डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम जो डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है वो हम निकाल लेंगे, है ना। हम इस पॉइंट को ए लिए हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को क्या ले ले, बी। तो यहां से ए बी दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 5 - 1 यानी 16 हो गया, प्लस 3 - 0 यानी 9 हो गया, और 14 - 2 यानी 12 यानी 144 हो गया। तो ये कितना आ गया, 25, 144, 169, अच्छा 13, यानी डिस्टेंस देखो कितना आसान आ गया, कौन सा है 13, ये देखो आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों देखो ये हमें सारा देखो कितना आसान आसान दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसा हमने आपको क्लास में थ्योरी बताया उसके हिसाब से आपको सीधे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे वाला देख लेते हैं, इस पर भी हमने बताया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बेसिकली ये क्या है, हमें वो प्लेन बताना है बच्चों जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और पैरेलल दिया हुआ है उससे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, ठीक, सीधे हमें लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हो गया P1 है ना, यहां इसको ले लेते हैं हम P1, फर्स्ट प्लेन है, ये वाला जो दूसरा वाला है ये ले लेते हैं बच्चों P2, ये है P2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज P1 प्लस लैम्डा P2 ना, अब इसको पैरेलल कर लेना है, वहां से लैम्डा आ जाएगा, तो P1 प्लस लैम्डा P2, तो P1 है 2x - 5y + z - 3 और P2 है लैम्डा टाइम्स P2, P2 क्या दिया हुआ है x + y + 4z - 5, ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 0 है ना, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब यहां से देखो अच्छे से लिख दो, अच्छे से लिखने का मतलब x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, z का कोफिशियंट सब एक साथ, तो ये आ जाएगा आपका 2 + λ, तो 2 + λ x और 1 यानी λ - 5y और फिर 4 λ + 1 z और फिर -3 + 5λ, माइनस कॉमन है दिस इज। अब देखो बच्चों दिस प्लेन इज पैरेलल टू, एज क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज दिस इज पैरेलल टू, ये पैरेलल किसके हैं, पैरेलल टू इस प्लेन के यानी x + 3y + 6z इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, पैरेलल का मतलब a1 / a2 इज इक्वल टू b1 / b2 इज इक्वल टू c1 / c2, वो सीधे लगा लेना है। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 + λ / 1 λ - 5/3 इज इक्वल टू 4 λ + 1/6, यही ना। अब कहीं से भी दो को सोल्व कर सकते हो, इन दोनों को यदि इक्वेट कर दिया, किसी भी दोनों को इक्वेट कर दें तो यहां से आपका आ जाएगा, इन दोनों को हम सोल्व कर देते हैं, तो इन दोनों को सोल्व करने से कितना आ रहा है भाई 6 + 3λ और λ - 5, सो लैमडा इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, लैमडा इज इक्वल टू बताओ 2λ है और -11 है, -5 - 6 यानी -11/2, थोड़ा खराब आया है ना लैम्डा, तो लैम्डा यदि -11/2 आया है, तो देखो ये -11/2 यदि रख देते हैं तो ये भी वही आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा -11/2 -22 + 1
23 ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां से सो अब इसी में लैम्डा रख दो, है ना। सो फ्रॉम वन, सो फ्रॉम वन इक्वेशन ऑफ प्लेन, फ्रॉम वन इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा आपका। तो वन से इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हम डायरेक्ट देख सकते हैं। तो वन से इक्वेशन ऑफ प्लेन लैम्डा के जगह पर ये तो वही रख देना है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड, ठीक। और यहां पर हमें लैम्डा के जगह पर रख देना है। तो x प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड ये तो है ही। अब लैम्डा के जगह पर यदि रखोगे तो देखो ये आ रहा था आपका माइनस इलेवन बाई, देखो यहां रख देते हैं पहले, सिक्स प्लस थ्री लैम्डा है, लैम्डा माइनस फाइव, लैम्डा है माइनस इलेवन बाई टू, टू माइनस इलेवन बाई टू, तो टू माइनस इलेवन बाई टू, फोर माइनस इलेवन, माइनस सेवन बाई टू आ रहा है ना, तो माइनस सेवन बाई टू इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी माइनस टू बाई सेवन, यानी प्लस टू बाई सेवन ऑफ, है ना, ये थ्री प्लस फाइव लैम्डा, थ्री प्लस फाइव लैम्डा यानी माइनस फिफ्टी फाइव बाई टू ये। तो यहां से सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव, माइनस फोर्टी नाइन, माइनस फोर्टी नाइन बाई टू, टू से टू कट गया यानी माइनस सेवन आ रहा है। तो माइनस सेवन आ रहा है इधर, तो उधर चला गया प्लस सेवन। तो यहां से देखो ये समझ में आया कैसे किए, हमने क्या किया, वन थ्री सिक्स रख दिया और जो एक आया था उसी से सब वही आएगा। लैम्डा के जगह पर माइनस इलेवन बाई टू रखोगे ना तो माइनस फाइव, मतलब माइनस सेवन बाई टू, माइनस सेवन बाई टू सब जगह आएगा। तो यहां से आपका आ गया एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स जेड और इज इक्वल टू, यानी माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया आपका ऑप्शन सी, क्लियर है बच्चों। तो हमने जैसा थ्योरी आपको बताया है अकॉर्डिंगली हम उसमें सारा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी तरीके से ये एक और आपको याद रखना है कि क्या होगा, ठीक है। जैसे ये है, यदि हम ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, ये एक लास्ट क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो If the line lies in the plane, है ना, ये वाला line यदि plane के अंदर है, तो इस पर भी हमने theory बताया है आपको, ठीक है। Concept क्या है यहां, concept ये है line यदि plane के अंदर है ना, तो एक तो ए ए वन प्लस बी बी वन प्लस सी सी वन जीरो होगा एंड दूसरा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो होगा, ये ध्यान देना है। तो यहां देखो कंसेप्ट, सो अब देखो ए ए वन, ए का मतलब टू है ना, तो टू इंटू एल प्लस माइनस वन इंटू एम प्लस थ्री इंटू, थ्री इंटू क्या हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। तो यहां वही लगा दिए, तो यहां टू एल, टू एल माइनस एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, अच्छा उधर जाएगा तो प्लस थ्री हो गया, है ना। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सेकंड इक्वेशन और एंड सेकंड इक्वेशन ए एक्स वन ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये पास कर रहा है थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस फोर कर रहा है ना। तो ये थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा माइनस फोर यहां रख देंगे, तो एल एल एक्स वन यानी एल इंटू थ्री प्लस एम वाई वन, वाई वन यानी माइनस टू और माइनस जेड, जेड के जगह पर माइनस फोर इज इक्वल टू नाइन है, है ना। सीधे जो दिया हुआ है वहां हम रख दिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3l, 3l माइनस 2m, माइनस 2m और ये प्लस 4 है, उधर जाके 5 हो जाएगा, दो इक्वेशन आ गए। तो अब दो इक्वेशन बच्चों, दो वेरिएबल है, 9 माइनस 4 है ना, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, यहां से हमें क्या निकाल लेना है, L और M निकाल लेना है। यदि हम इसको दो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4L माइनस 3L है ना, सोल्विंग वन एंड टू, सोल्विंग वन एंड टू
कैसे सोल्व किए, हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया, तो 4l माइनस 3l l आ गया इज इक्वल टू, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 6 माइनस 5 यानी l आ गया 1, एंड m l यदि 1 रख देते हैं तो m क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, तो m आ गया माइनस 1 है ना, देख लो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कितना आ गया 1 + 1 दैट इज 2, यही हमसे कहा गया ये पूछा जा रहा था। तो इस तरीके से बच्चों हमने एकदम आसान आसान कंसेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन कर लिया है, ये आपको इसी पर बेस्ड, ये थोड़ा सा लेंदी है, लेंदी बट यू हैव टू ट्राई, बट यू जस्ट ट्राई, यू जस्ट क्या करोगे ट्राई करोगे, ओके तो दैट इज ए होम असाइनमेंट, इसको हम यदि कर लेते हो उम्मीद है सारे लोग कर लोगे, तो यदि नहीं किए तो हम अगले लेक्चर्स में इसके सोल्यूशन बता देंगे। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर्स और 3D एक्सक्लूसिवली आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने खत्म कर दिया है। अब अगला हम वो करेंगे जो बाकी इसके आगे के टॉपिक्स है, लाइक प्रोबेबिलिटी करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, छोटे मोटे टॉपिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग है वो भी हम इसमें कर लेंगे, स्टैट्स भी कर लेंगे, इससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय, ओके बाय बाय, थैंक यू।